भारत ने पहले ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा को लेकर गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, यानी दवा को कब, कैसे और किसे लेना है सब कुछ बताया गया है। साथ ही कोविड 19 के मरीजों और कोरोना वॉरियर्स के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। भारत की स्थिति पर नजर डालें तो दुनिया में एक्टिव संक्रमित मरीजों की तादाद के मामले में हम 5वें नंबर पर और कुल कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से 11वें नंबर पर हैं। मौत के मामले में भारत 16वें नंबर पर है। वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर हुए ताजा मेडिकल रिसर्च से भारत सतर्क हो गया है। ऐसे में गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के तरीके बताए गए हैं। इस गाइडलाइन में किसे कितनी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा का डोज देना है इसके बारे में हिदायत लिखी गई है। कंफर्म हो चुके कोविड 19 के बगैर लक्षण वाले मरीजों के लिए 400 mg पहले दिन दो बार और फिर हफ्ते में एक बार अगले तीन हफ्ते तक भोजन के बाद लेना है। बगैर लक्षण वाले सभी स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड 19 मरीजों की सेवा में लगे हैं और जो प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं या फिर कंटेनमेंट जोन में लगे हैं, उनके लिए सलाह है कि वो पहले दिन 400 mg दो बार लें और उसके बाद सात हफ्ते तक हफ्ते में एक बार भोजन के साथ इसे लें। इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन 1.2 में ये बताया है कि HCQ के बुरे नतीजे भी देखने को मिले हैं, जिसमें 8.9% मरीजों में नौजिया, 1.5% मरीजों को उल्टी, 1.7% मरीजों को हाइपोग्लाइसीमिया और 1.9 मरीजों को कार्डियोमस्कुलर इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। ICMR के मुताबिक लैब टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के घर में उसके संपर्क में आए लोगों को भी यह दवा दी जा सकती है। दूसरी तरफ HCQ के इस्तेमाल से जुड़ी सावधानियों में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति में इसके साइड इफेक्ट्स जैसे हृदय रोग दिखे तो दवा का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। 15 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी HCQ न दिए जाने की सिफारिश की गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब HCQ की क्षमता पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर हुए शोधों में इसी तरह के परिणाम सामने आए थे, लेकिन ताजा रिसर्च के मुकाबले उनके सैंपल यानी मरीजों की संख्या काफी कम थी।